यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, जो है तेरे अरमां वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र में। Everyone, this is Megha and welcome on my YouTube channel. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे विशेस के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को ले लेंगे, तो फुल स्क्रीन वाली रेशियो को ले लेते हैं। एंड अब मीडिया पे क्लिक करके वीडियो में टोटल 7 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। एंड अब इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। एंड अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो गेट मोड में आ जानी है एंड लाइन वॉकर ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसमें थर्ड नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। एंड इसको 30 सेकेंड रख लेंगे। एंड अब यहाँ पे टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड इसको करना है ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन कर लेंगे। एंड अब यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड करनी है एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। एंड इसको करना है सेंड टू बैक एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं एंड इसको लास्ट तक रख लेंगे। एंड अब यहाँ पे 7 फ्रेम में पिक्चर्स को ऐड करनी है, तो जो पिक्चर बैकग्राउंड में है उन सबको हम लोग इसी सीक्वेंस में 7 फ्रेम में ऐड कर लेंगे। एंड इसको क्रॉप कर लेते हैं सर्कल वाली शेप में। एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को इस फ्रेम में रख लेते हैं। एंड इसको भी लास्ट तक रख लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग बाकी के 6 फ्रेम में भी फोटो को ऐड कर लीजिएगा, मैं इसको भी रहने देती हूँ। एंड अब यहाँ पे नेम की टेक्स्ट को लिख लेंगे एंड इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसको भी लास्ट तक रख लेते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।